अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, जो आपने अभी दिल दहला देने वाला मंजर देखा, ये इंडोनेशिया का बताया जा रहा है कब्र के अंदर का मंजर है। ये शख्स सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के लिए हंसते मुस्कुराते हुए कब्र में जाकर वीडियो बनवा रहा होता है और अचानक कब्र में दब जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इबरत की जगह है। कब्र तो रोजाना पुकार पुकार कर कहती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं तारीकियों का घर हूं, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं, मैं जन्नत के बागात में से एक बाग हूं या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा हूं। हदीस पाक में है कि अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदाब कब्र के मुतालिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आदाब कब्र बरहक है, सच है। इसके बाद अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी नमाज पढ़ते नहीं देखा जिसमें आपने आदाब कब्र से पनाह न मांगी हो। तो सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कब्र में जाकर ऐसी वीडियो बनाना इंतहाई अफसोस का मकाम है। सोशल मीडिया पर काम करना कोई बुरा नहीं, मगर ऐसी हरकत हरगिज न करें जिससे अल्लाह की पकड़ आ जाए, अल्लाह का आदाब नाजिल हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं अपनी राय का।